हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो बढ़िया होने चाहिए। यहाँ भी सब अच्छे हैं। और जय माता दी। मैं घूम रहा हूँ बहुत देर से, सुबह हो गई है और सुबह को देखो मौसम भाई साहब, क्या हवा चल रही है। आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, लगे स्पीड पे देखो, हर चीज़ की खुशबू आ रही है हवा में से, इन पेड़ों की सारों की। बहुत तकड़ी वाली चल रही है, इसी से मेरी आँख खुली। मैं जल्दी उठका फिर इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक सामने पेड़ है, ये दिख रहे हैं, ये देखते हैं कितना दिखेगा। ये देखो, ये भी पूरा लधा पड़ा है, ये फुल फुल से है, इस पर पूरा लधा पड़ा। और गिप्पी मेरे साथ ऊपर घूमने आई है, मेरे साथ ही घूमेगी। इस चक्कर में है कि मैं इसे थोड़ा सा हाथ वाथ फेरूँ, मैंने फेर दिया। हाँ, पापा ही उठ गए हैं, पापा ही अपने कपड़ों की तय कर रहे हैं। और मैं पहले मैं इस वजह से नहीं कर पाया मैसेज, मतलब पहले मैं लोग इस वजह से शुरू नहीं कर पाया। हवा ज़्यादा तेज ही, तो हवा ही हवा की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा शायद आवाज़ नहीं आने की, आवाज़ तो अभी नहीं आ रही होगी, मुझे लग रहा अभी आवाज़ कम ही आ रही होगी, पर अब हवा कम है पहले से। अब आ गए हैं जी बंदर छत पर, सबकी छतों पर आ गए हैं। और अब हमारी गिप्पी रहेगी परेशान, जब तक ये देखते रहेंगे गिप्पी इनके पीछे लगी रहेगी। और ये गिप्पी से डरते नहीं, क्योंकि ये ऊपर रहते ही, इन्हें पता है गिप्पी ऊपर नहीं जा सकती, अब तक इसका हाल ख़राब रहेगा जब तक इसे देखते रहेंगे। एक देखो छोटा सा कहाँ बैठा है, एक मोटे, ओ भाई साहब ये तो बहुत तकड़े वाला, ऐसे ऐसे फाड़ते हुए कचहरी में जो घूमते रहे हैं। एक वो देखो सामने, उनकी छत पे ही है वैसे ही, ज़्यादा हमारी छत पे है आ ना रहे अभी, पर इसे जब तक दिखेंगे जब तक ये ड्रामा करती रहेगी। सूर्य देवता आना चाह रहे हैं पर ये बादल बीच बैठ के हुए हैं। गिप्पी ले आई अखबार, अपनी सुबह की ड्यूटी करती है, ये पहुंच गई पापा के पास। ये देखो जी, मैं एक महीने से इनके पीछे पड़ रही हूँ, जब जाके इनकी आज समझ में आई है। जड़ से काटिया बिल्कुल, जड़ से कटवा दूंगी भी, बेल का फायदा क्या। हाँ, नीचे सीढ़ी पे भी चढ़ते जड़ से काटने के लिए, अब पहले ऊपर चढ़े हैं फिर उतर के नीचे आऊंगे जड़ से काटने को। हाँ, समझदार बहुत हो दोनों भैया। नहीं तो आपने कही है जड़ से काटो, मैंने भी पत्तियों को कही है, नाम लेना पड़े। जब काट उन्हें रहे तो और क्या काटेंगे जड़ से, बेल बेल ऊपर हो जाओ एक डंडे पे। डर तो लगे है, लो हम चढ़ेंगे, हम दिखाइयो। मैं नहाने से पहले बताती तो मैं रुक जाता, मेरे ध्यान न रहे। ये देखो सारी बेल काट दी, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं इस पे। पर काटनी इस वजह से पड़ी, यहाँ पे हमारी इस खिड़की में अंदर पहुँच रही हो, खिड़की बंद नहीं होती फिर है। हाँ, हमारे इस कैमरे के सामने आ रही है ऐसे, इस गेट गेट पे है कैमरा, कोई दिखाई नहीं देख रही। हाँ सीधा, थोड़ा सा खींच रखा बस, पर सही है इतना तो। हाँ, अब भाभी बांध रही हैं, कड़ी पत्ते का पेड़ है ये, इसे सीधा करने के लिए रस्सी बांध रही है इसमें। और ये देखो हमारे गुड़हल का फूल, ये देखो
अब हमारा काम गया है निपट, अब सीढ़ी जा रही है जिनकी लाए हैं उनके घर। कहाँ से? अच्छा लो एक तरफ से मैं पकड़वा। मामा चलो अच्छा। अब भाभी ओ भैया जी सीढ़ी लेके जा रहे हैं, हम यहाँ से सामने से सीढ़ी लेके आए। रख के आ जाइयो, कहीं दूध पीने बैठ जाओ। चलो भाभी कह रही है फूल तोड़ने को, तो जी हम तोड़ते हैं एक फूल। ये तो हो रहे हैं यहाँ थोड़ा सा खिल रहा। हाँ, दोनों ले जाओ, पानी में रख लेंगे, पूछा बंद बंद कर देंगे जब तक खिल जाए। अच्छा एक फूल और एक ही फूल। अब हमने तोड़े हैं दो फूल, मैं दिखाता हूँ। भाभी कह रही है इन्हें पानी में रखेंगे तो ये पूरी तरीके से खिल जाएंगे। चलो अब इन्हें पानी में रखवाते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ हो रही है पूजा, सुबह की पूजा। कौन सा नौर था आज? चौथा नौर था, चौथे नौरते की पूजा होने वाली है। अब चलते हैं दिखाते हैं। टाइम हो रहे हैं 9:35 और ये देखो संडे का फुल मजा, तीनों की तीनों सोई पड़ी हैं। सो कौन रहा है? तीनों बहन ध्यान हो रहा है। अच्छा ऐसे कैसे ध्यान हो रहा है? ध्यान कर रहे थे ना वानी। हाँ मुँह बात क्यों रख रखे, तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी है? डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे क्लिनिक चलाएंगे अपना, ये 10-10 बजे तक सोते हैं। छुट्टी तो मिलती नहीं, 10 बजे तक सोऊं हर संडे में। संडे भी जाऊं मैं कॉलेज। ये कंपाउंडर साहब बिना दवाई दिए ही मरीजों को भेज दिया करेंगे कि मैं सो रहा हूँ। और ये हमारे इंजीनियर साहब लाखों मशीन यूं ही बंद पड़ी रह करेंगे। अच्छा ये तो कंप्यूटर इंजीनियर है, मशीन नहीं, कंप्यूटर बंद रहे पड़े रह करेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर सो रहा है। स्माइल स्माइल, रोने को थोड़ी गई है, स्माइल को गई है। गाइस कितनी अच्छी लड़की है, उठने के बाद चादर तय कर रही है अपनी। अपनी नहीं है तेरी। मेरी यहाँ संगवाई यार, अपना कंबल ऐसे पड़ा देख लो, ये पड़ा मेरे की तय करके ज़्यादा होशियार बन रही है अपने आप में। नित्या भी कोशिश कर रही है उठने की, उठ पाएगी थोड़ी देर में, कर सकती है नित्या तू, यस यू कैन डू। और चलिए देखते हैं कौन क्या कर रहा है। चाची जी बर्तन कर रही हैं, चाचा जी नहा रहे हैं धूप। अच्छा भैया जी नहा रहे हैं, चाचा जी नहा लेते, ध्यान ध्यान कर रहे होंगे। देखना कितनी कैड़ी धूप है, सूरज देवता बिल्कुल सिर पे बैठे हैं आज चढ़े हुए। और देखो सासू बहू दिखाती हैं, दोनों सासू बहू जन क्या क्या करती हैं क्या ना करती हैं देख लो। अब लगी पड़ी है, भगवान जानने क्या करनी है ये दोनों।
माँ जी इतनी ठंड ना आई है अभी, माँ जी इतनी मोटी चादर बिछा रही हूँ, यू अभी ओकल कर देगी, खुजली कर देगी चादर। तो इतना ताई जी की चादर पे लोटिया करो जब जी करे करे, अब नहीं मैं क्यों बिछाया दो इस अभी, ऐसा लग रही है गरम बिछा दिया बिल्कुल, जैसे कालीन बिछा दिया। हाँ पर अम्मा जी ने काट लिया, अम्मा जी भी छा के मानेंगी, ये दोनों भी ओकल सी ग्रह है, इन दोनों के मन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करो ही जाओ। हाँ कोट ढूंढने ढूंढने में चादर बदल दी इन्होंने बैठ की, मम्मी जी वैसी लग रहा, भय मत करो, चाबी चाहिए देख जरा पैंपिंग की नजर, चाची जी को बैठा दो थोड़ी देर, बराबर हो जाएगा। हाय मैंने ही सिखाई ही, अरुंधा मुझे कह रही ठीक से नाओ, मगर माँ जी हम सिखा रहे ठीक से होगा, कंगे से घुसा देख रहो बिल्कुल ठीक हो, देखियो तो चादर चुभ रही है बैठने पे भी, अब मैं उतारूंगी, आप तो माँ जी कहेंगे उतार दोगे, लाओ बोतल दे दो चलो, है आप तो कह दोगी जब जीना करेगा, चलो ये मेरी बोतल है ये भरी छोड़ देते हैं सभी, सर इसमें फिर महक हो जाती है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता महक आवे बोतल में, हमेशा खोल कर रखनी चाहिए और उल्टी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उल्टी में तो गैस सी बदबू सी बन जाती है, उसे टेढ़ी रखना चाहिए जो उसमें एयर जा सके, वाटर बॉटल को। अरे चाची जी बब्बा जी, चाची आप कर रही है, मम्मू जी कर रही है, मैं कर दूंगी जब भी दोबारा करेंगे, हाँ नमक वमक घेर के मम्मू जी बब्बा जी का, तो पित्तल साफ करने का पाउडर डाल रखा है इस पे, मम्मू जी से रगड़ रगड़ के भांजेंगी, चमकाएंगी बब्बा जी का। खाने में क्या है आज, नमकीन चावल दो दो बल रहा है, देखती हूँ मानी फिर क्या कर रही है, ओहो अलमारी में घुसा घुसा के रख रही है सारे सामान, वाह अपना कंबल भी तय कर दे, कर रही हूं। बाल देखने रुकिए रुकिए दिखाइयो, लॉकेट बिछा रहा कमर पे, भाई भाई लड़की क्या करेगी, वो एटीट्यूड दिखा रही है एटीट्यूड, नित्या इस टाइम बहुत सोच में, वो आज क्या पहनना है क्या नहीं, बहुत 10 मिनट से अपनी अलमारी के आगे बैठी है, पूरी 10 मिनट से कपड़े समझ में नहीं आ रहे, बहुत कपड़े हैं ना समझने में टाइम लग रहा है, जो तुझे पहन ले जो उनसे आगे हाथ आवे, एक ही देखो, और मैं कह रही थी ना मम्मू जी उसे मांझेंगी, मैं कर रखी है यहाँ, चमका दिया मम्मू जी ने ये पूरा, यूपा जाना अब लाओ, और पानी तो ऊपर भी भर जाता मेरे से भारी, तो यू हो रहा है इस हाथ में ना उल्टे से पकड़ा जाएगा, बाल उड़ रहे थे ना इस वजह से अपना तौलिया ओढ़ लिया, मैं नहाने जा रही थी, इन्होंने काम बता दिया बीच में, चलो बब्बा जी को ऊपर यू दे के आते हैं और उसके बाद आगे काम करेंगे, झाड़ू लेके चल रही हूँ आगे, यूँ नहीं बालक से उठा रखा है तो भारी, तो आपने बताई आप जा रही हूँ ऊपर, अच्छा अब बब्बा जी क्या गया पकड़ लोगी, हो जाएगा आप लाइयो, देख लो बब्बा जी, अब यू भी धोया है यू भी, और आज बब्बा जी के बाल काटने वाले घर पे बुलाए थे बब्बा जी, नहीं तो बाल नहीं कटवाते खुद ही काटते हैं बब्बा ने, आज 5 साल बाद किसी से बाल कटवाए हैं जबरदस्ती, वो भी ना तो बब्बा जी खुद ही अपनी मशीन लेके ट्रिमर लेके काट लें अपने बाल, आप अच्छा लग रहे हैं बब्बा जी आपके बाल, मेरे पहले भी अच्छे लगे ना बब्बा जी, जब टेढ़े मेढ़े रहे करे अब अच्छे हैं, अरे जब तू नहाई है तो धूप में बैठी है, सूख क्यों रही है सूखे में बैठ के, हैं चल धूप में, यू भी मम्मू जी ना नहा धोवा के सिद्धि कर दी, देख लो संडे इसका नहाने का दिन था, कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं, गिपी कम हियर,
बहुत गर्मी है यहाँ तो। बैठ जा, देखो गिल्ली है, इसके बाल फिर से बड़े हो गए, हमें लग रहा है इसे गंजी करवा दें फिर से, पर अब सर्दी आ रही है, गंजी करवाएंगे तो इसे ठंड ज़्यादा लगेगी। हाँ कॉलोनी में क्या चल रहा है हमारी पता नहीं। टाइजर का मशीन के बाद आ रही है, कपड़े धुल रहे हैं। ये अब्बा जी की छोटी आज करने की युहारा, इसमें भी वो हारा ही तो है पता ना। चल पलंग पे बैठ, चल यहाँ गिल्ली मत हो, गंदी हो जाएगी, आ जा। ये गिप्पी की छोटी सी खटिया, बैठ जा। गर्मियों में इससे जगह कम लगती है, सर्दियों पे ये इसे आधा खाली रखा है। आपको ऐसे देखने में बड़ी लग रही होगी कि गिप्पी बड़ी है खाट छोटी, पर नहीं, वो एग्जैक्ट गिप्पी के साइज की है, ना उसे चढ़ने में दिक्कत आ ना लेटने में। सर्दियों में तो ये आधी खाली पड़ी रहे, सुखड़ जाए इस पर। है गिप्पी, है गिप्पी, हेलो तो कर दे कर सो। हाँ बहुत अच्छे, ऐसी गिप्पी की आँख प्यारी प्यारी, नाक ले गिप्पी, वेरी गुड गिप्पी। बहुत कम लोगों को ऐसा देखती है, आप सबको देख रही है, खुश हो जाओ सब। चले गाइस बहुत धूप है, नहा लेते हैं, बब्बा जी भी नहाने चले गए, पापा जी नहा धो के पूजा कर रहे हैं, हम भी नहाने चलते हैं अपना। अस्सू जी चाचा जी भी आए हुए हैं, बब्बा जी के बाल कट रहे थे, वे देख रहे थे, भैया जी नहा लिए, पता नहीं कहाँ है, पूजा कर रहे हैं। टिक्का देखो आँख के ऊपर तक फैला रखा है। ए चल ना चाचा जी, बिन चश्मे बैठी है, देखो चश्मा लगाओ और नहाओ। मुक्ता इसमें उसके वे भी तो बताते हैं वर्ड के अर्थ। हाँ जी कहाँ पे बताओ, मैं देखिए अलमारी में लग रही होंगी अभी, देख लो ये माँ जी की अलमारी, और माँ जी अभी अपनी साड़ी के ब्लाउज साड़ी सूट प्लाजो इनमें ही लग रही है मुझे। ये भी माँ जी के कपड़े हैं, ये भी माँ जी के कपड़े हैं, और इधर भी भैया जी की अलमारी में भी एक खाने में माँ जी के ही कपड़े हैं, इधर कहीं माजी के बेड में माजी के कपड़े, पर माजी पे कपड़े नहीं है माजी। मुझे भी अपनी अटैची निकालनी है ये पीछे से, एक बार मेरी अटैची गाइस यहाँ रखी है, इसमें मेरे थोड़े सूट वूट रखे हैं, मैं सोच रही हूँ आज सूट पहनूं। आराम से बैठी रहो, पहले आप कर लो, जब उठा लूंगी मेरे तो होगा। पहले माजी बाहर बैठी बेड पे साड़ी देख रही थी अपनी, अब माजी अंदर आ गई। क्या साड़ी पहनने की सोच रही हो आज? कब पहनोगी? दशहरे पे माँ जी, दशहरे पे तो हमें पैसे मिलेंगे ना। हाँ। नोट रखने के। हाँ। ये मेरी अटैची, चलेगा इसमें, मतलब थोड़े आने जाने टाइप के कपड़े हैं, अलमारी में घर के कपड़े हैं। चलिए चैन इधर है, अब हम इसे उठाएंगे, इधर रखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी चैन ढूंढेंगे, ये टन टन टड़ा, इसमें से आज कुछ पहनने का अच्छा से निकालते हैं। मिल रहे तुझे कपड़े कुछ? ढूंढी आई? अब नित्तर में बस नहाने जाएंगे, सिर विर धो के चकाचक बन जाएंगे, पर कुछ मिले तो पहनने का यार, वो चैन में मिलेगा, सूट तो इसमें। वाओ गाइस वाओ, अरे यार मैं ना सूट सलवार पहन लेती हूँ, मैं ना बहुत दिन से नहीं पहने चंटिया, तू ही पहन ले ले, निकाल ले जोन से पहनने पहन, ये पिंक पहन ले तू, इसके नीचे वाला ये पहन ले, तो क्या हो गया ये वाला, और ये तो पैंट पैंट है, कुर्ता को हुआ गाइस, गाइस कुर्ता को गया, कुर्ता इसका मेरी सा, एक एरा सूट ही सूट सूट ही सूट। गाइस बहुत मेहनत के बाद मैंने सूट निकाल लिया, और ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने ऐसा ओढ़ रखा है,
देखो बहुत मेहनत लगी है सूट छाड़ने में, क्योंकि अभी अष्टमी पे पहनना है, दशहरा पे भी पहनना है, दिवाली पे भी पहनना है, और इस बार कपड़े हम नए ले नहीं रहे, हम अच्छे अच्छे बन रहे अलग बात है, हम ले लेंगे दिवाली पहनने के कपड़े। तो ये निकालना है मैंने सूट सलवार, ये ग्रे चमक रहा है बट दिस इज़ ब्लू कलर, ये सूट है, ये इसकी सलवार है, आज हम ये पहनेंगे, बहुत दिन से नहीं पहनना, और मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये मैं बुन्नू के फर्स्ट बर्थडे में पहन के गई थी, है ना, बुन्नू का पूजा थी बुन्नू की या कुछ, जब मैं इसे पहन के गई थी, और मैं बहुत सुंदर लग रही थी, बाल ऐसे लग रहे थे जैसे भी एलियन उतर के आया हो कहीं से ऐसे। चले गाइस नहा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, बाय। जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ काम आएंगे, काम क्या आएंगे, दवाई लानी है, सबकी दवाई खत्म हो रही है, तो हर महीने एक साथ ही ले आवाएंगे सबकी दवाई भी, और प्रियंका के जावेंगे और उनका मकान देख के आवेंगे, तो आज कह रहा चलो मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ और हमारे ज्यादा जा रही है, और गर्मी देखो गर्मी हो रही है तकड़ी वाली, बढ़िया वाली गर्मी हो रही है, गाड़ी में तो पता नहीं लग रहा पर बाहर जाकर लगेगा, आपको भी दिखा देंगे आज तो मकान, गए तो मैं परसों भी कल शनिवार है ना, कल गया, कल भी गया, वीडियो भी बनाई, फिर मैंने सोचा नहीं मालकू के साथ चलेंगे, पर वे सारे के सारे अपने कामों में लग रहेंगे, उन्हें इस काम से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम है, मगर तुम अपने निपटा लो भैया, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं, हम वहीं लेके चलते हैं, आगे की दवाई लेना हम पहले लेंगे कपिल की, और मेडिकल स्टोर देखो क्या है सब बना रखा मजेदार, डॉक्टर का देखो ऊपर डॉक्टर बैठा है, नीचे इनके क्लिनिक है, और अभी अपनी ले ली है मुझे, फिर यहाँ से चल के लेंगे अपनी, फिर जानेंगे प्रियंका से, हमारे यादव जी ले रहे हैं। आपने मकान हमें तो बहुत पसंद आया, आप और देखिए कैसा लगा, और मेरे साथ हैं यादव जी, मौसा जी हैं, विकास, लड्डू, हेलो, और बराबर में यहाँ पे है एक बाग टाइप, इनका खुद का है यहाँ रहने का, बहुत सुंदर है, पर बराबर में भी चलो चलते हैं, धूप तकड़ी हो रही है बिल्कुल मस्त वाली, अब सुबह हम नहा लिए थे, नहा के सूट पहन लिया था आज, उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था, लगा तो कुछ भी ऐसा हुआ भी नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, मैंने इतना पढ़ने लगे थे, पूरा दिन पढ़ने निकल गया, फिर हमने खाया अब खाना, अब टाइम हो रहा है 7:10, देखो 7:10 हो रहे हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है,
और ये जो टिक्का है ना ये वानी ने लगाया था हमारी तवाड़ा वाड़ा, उसे मना कर रहे थे तवाड़ा मतलब फिर भी तवाड़ा। चाची जी अपना बरत खोल रही हैं, भैया जी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये बैठी है पैर पे पैर रख के बिल्कुल गेस्ट बन के बैठी है इस टाइम भी। फोन भी मैंने नाप कर ले रखा है अपने लोअर से मैचिंग का और ये ऐसे बैठे रहते हैं। इनके भी वानी टिक्का लगा गई कितना बड़ा वो भी टेढ़ा और ये देख रहा है पिक्चर पता नहीं कौन सी, प्यार किया तो डरना क्या, गुड। और इधर माँ जी के घुटनों में दर्द हो रहा है, माँ जी लेट रही हैं। बरत खोल लिया, क्या खाया? सवाई के चावल आलू दही। सही है, तो अब अंदर लौट गए तो गर्मी हो रही है। पापा जी तो पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये कुछ कहना है आगे से उठ के हमारी ऐसे लौट रही हैं जैसे अकेली लेट रही हैं यहाँ। और देखते हैं चाचा वानी कहाँ गई, मम्मू जी बर्तन कर रही हैं यहाँ, खाना खा लिया। वानी कल से स्कूल जाएगी, उसका हाफ ईयरली खत्म हो गए पेपर, नया वो शुरू हो रहा है सेशन, सेशन क्यों होएगा, सेशन नई क्लास में शुरू होता है। वो क्या हो रहा है? पीरियडिक स्टार्ट, पीरियडिक PT2 शुरू होएगा उसका। नहीं सच में, तो इसलिए उसकी नई कॉपी बन रही है, कवर लगवा रही है अपनी कॉपी पर, चाचरी कवर चढ़ा रहे हैं उसकी कॉपी पर। चले गाइस अब मुझे दे रही है चाचा जी की दवाई ना, इनके पे चढ़ा देंगे बहुत है। इनमें साफ साफ भी लिख लिया, बहन सुन रही है? बहन सुन गई सर, सब सुन गई।